इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, कैशकार्ड मामले में एक बड़ा अपडेट यह है कि बंगाल से आईडी की टीम दिल्ली पहुंची है बिचौलिए सिद्धार्थ मजूमदार की गिरफ्तारी के लिए। दिल्ली पहुंची है सीआईडी की टीम। कैशकार्ड में सिद्धार्थ मजूमदार की अहम भूमिका बताई जा रही। दिल्ली पुलिस ने बंगाल पुलिस वाला की रोक दिया है। सीआईडी की टीम पहुंची लेकिन दिल्ली पुलिस ने बंगाल पुलिस को रोक दिया है, सीआईडी की टीम को वहां पहुंचने नहीं दिया है। गिरफ्तारी से संबंधित कागजात की मांग की गई कि आखिर कागजात आप दिखाइए, और जो एक ट्रांजिट रिमांड होता है उसकी भी मांग यहां पर की गई है कि आखिर कैसे एक दूसरे राज्य की पुलिस चाहे वो सीआईडी वो कैसे दिल्ली पहुंच सकती है। और अमर हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका। अमर जानकारी पूरी चाहेंगे, सीआईडी की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस ने रोका, क्या मामला? अमर आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अमर मामला जानना चाहेंगे पूरा, क्या स्थिति फिलहाल है? फिलहाल देखिए जो स्थिति सुबह की थी वही हाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसे रोक रखा है और कानूनी एजेंसी का उन्होंने हवाला दिया है कि जुरिडिक्शन जो है यहाँ का है, पहले हम इस बात की तहकीकात करेंगे और जानकारी लेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर हम आपको हैंड ओवर करेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर के आज पार्लियामेंट में जो है मुद्दा उठा था, हंगामा हुआ, उसके बाद जो है इस मामले को शांत किया गया। लेकिन खबरें ये आ रही है कि कलकत्ता से फिर जो बड़े अधिकारी का जो टीम है वो दिल्ली पहुंच रही है ताकि उस बिचौलिए को अरेस्ट किया जाए, उसके तलाशी ली जाए या फिर उसके घर पे सर्च वारंट को लेकर के यहाँ पे आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो कानूनी पेचीदगी है उसको किस तरह से सॉल्व करता है, और दिल्ली पुलिस जो बीच में अरंगा डाल रखी है दिल्ली पुलिस उसे किस तरह से सॉल्व करती है, और या फिर क्या उसको दिया जाएगा या फिर कोर्ट का और कानून का जो हवाला दिया जा रहा है उसमें जो उस पेचीदगी को कैसे निपटता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसी वजह से आज जो है चलिए, बहुत शुक्रिया अमर हमारे साथ जुड़े, आप नजर बना रहे हो, जो भी अपडेट इसमें आता है आप हम तक पहुंचाएं ताकि दर्शकों को हम हर एक अपडेट हर एक जानकारी पहुंचाएं इस पूरे मामले से जुड़ी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मामला ये, झारखंड के हिसाब से बहुत बड़ा मामला जिसमें झारखंड के विधायक पकड़े जाते हैं कैश के साथ में बंगाल में, और अब बंगाल सीआईडी जो है वो पहुंची है दिल्ली, तो वहां पर उन्हें रोका जाता है। तो अब आगे क्या होता है, क्या बिचौलिया गिरफ्तार किया जाता है, बिचौलिया को पकड़ा जाता है, ये हर एक अपडेट आपसे हम लगातार लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए अमर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।